जी वीवर्स, कंस्ट्रक्शन में खुश आमदीद। मैं आदिल मिस्त्री आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आपके लिए खैरियत और सलामती के लिए दुआ गो। जी वीवर्स, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि घर बनाने के दौरान या प्लाजा बनाने के दौरान अगर आप कंक्रीट के पिलर के ऊपर अपना ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं तो उसके बाद आप दीवारों की पार्टीशन करना चाहते हैं तो इन कंक्रीट के प्लेन पिलर के साथ बगैर दाढ़े, बगैर सपोर्ट या किसी ऐसी चीज के जिससे दीवार मजबूत हो, अगर इस तरह नहीं बनाएंगे तो इस तरह प्लेन पिलर के साथ दीवार लगाने से प्लास्टर करने के कुछ ही अरसा बाद इसमें एक लंबा सा क्रैक्स आ जाएगा। तो जी वीवर्स, ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि इस परेशानी से कैसे बचा जा सकता है। चूंकि ये कंक्रीट का पिलर बजरी और सीमेंट की तेज रेशो से बहुत तेज बना होता है तो इसमें दाढ़ा वगैरह तो हम नहीं निकाल सकते, तो कंक्रीट के पिलर के साथ दीवार को मजबूत करने के लिए एक ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी। इस ड्रिल मशीन के साथ 4 इंच और 4 सूत्र ही मोटे वर्मे के साथ हमने सुराख निकालने हैं। तो इस ड्रिल मशीन के साथ कंक्रीट के पिलर में 4 इंच का गहरा सुराख निकालने के बाद हमें 1 फुट लंबे सरिये की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमारे काम पे एक्स्ट्रा सरिये में से 9 इंच या 10 इंच का भी कोई पीस है तो वो भी चलेगा। तो इसी तरह आपने इन सरियों को कंक्रीट के प्लेन पिलर के साथ जिस जगह पे आपकी दीवार आनी है उस जगह पे आपने ड्रिल मशीन से इस हिसाब से सुराख निकालने हैं कि हर 2 रद्दे के बाद सरिया आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 रद्दों के बाद। तो इसी हिसाब से अगर आप अपनी दीवारें बनाएंगे तो फिर आपको पिलर और दीवार के दरमियान जो क्रैक्स लंबा आता है उसकी कंप्लेन नहीं आएगी। तो जी, इस वीडियो से कुछ आपको फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने का शुक्रिया।